तीसरे के बाद चौथा बोर्ड बना। चुप रहकर बहुत कुछ सह लिया, मरियम नवाज का फिर जारहाना अंदाज। बोली नवाज शरीफ को तश्वीशनाक बीमारियां हैं, बोर्ड पर बोर्ड बन रहा है मगर नवाज शरीफ को इलाज नहीं मिला। मेडिकल बोर्ड ने कहा नवाज शरीफ को सीरियस बीमारियां हैं। अब अगर नवाज शरीफ से खिलवाड़ या कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम है। जेल से PIC, PIC से वापस जेल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल, और अब वो PIC लेके जा रहे थे, तो हमें ये रहम की भीख नहीं चाहिए। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाकर तस्दीक की, हुकूमत से पहले इलाज का कहां आना अब कहेंगे। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह मुत्तहिद है और रहेगी। 3 बार के वजीर आजम को रहम की भीख नहीं चाहिए, मरियम नवाज के लहजे में फिर सख्ती आने लगी। कहा मेरी वालदा बिस्तर मर्ग पर थी मगर उनका मजाक बनाया गया, हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है, मरियम नवाज ट्विटर पर भी सरगर्म। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, अगर तस्दीक उनकी मकसूद थी तो मियां साहब एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी है, हम में वो तस्दीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं है, हमें इनकी रहम की भीख नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मुत्तहिद है, मुत्तहिद रहेगी इंशाल्लाह। मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में मदद नहीं मांगी, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल किया। वक्त एक जैसा नहीं रहता, जुल्म की रात बहुत छोटी होती है, इसकी पकड़ बड़ी है। मरियम नवाज ने वालदा की कब्र पर हाजिरी दी और तस्वीर भी सोशल मीडिया को शेयर की।